हेलो दिस इज़ प्राक सिंह एंड यू आर वाचिंग विजन पंजाब टीवी ते फिल्म होने जा रही है जी 28 तारीख को रिलीज़ गन्स ऑफ बनारस ते उहदी स्टारकास्ट ने मेरे नाल मौजूद है। उन्हां नूं मिलांदे आ उहने जिहड़े पसंद करते हैं भी मैं इंट्रोडक्शन अपनी आप ही देवां कोई होर ना देवे तो उन्हां तो ही उन्हां दे इंट्रोडक्शन लै लैने किवें सर। गुड्डू शुक्ला इंट्रोडक्शन है हमारा। दो जगह दर्शक बिना हम कभी नहीं बोलते हैं, एक गंगा मैया का तट और दूसरा काशी विश्वनाथ का पट। गन्स ऑफ बनारस आ रही है 28 फरवरी को एंड उम्मीद है कि आप लोग इस फिल्म को बहुत ढेर सारा प्यार देंगे जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाई है। ते नाल ने क्यूट जी ब्राज़ीलियन मॉडल नथालिया कौर। हाउ इज यू मैम? आई एम ग्रेट थैंक यू। हाउ इज हियर इन चंडीगढ़? इट्स अमेजिंग, द फूड इज बहुत अच्छा। सुबह हम यहाँ पर आए हैं, आज ही सुबह हमने लैंड किया है, डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं एंड आलू के पराठे खा के हैं खूब। अच्छा हाँ, यहाँ का पंजाब में आके मज़ा आ रहा है बहुत, बेहद मज़ा आ रहा है बहुत। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़, इट्स वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रीनरी एवरीवेयर। वेदर इतना बहुत बढ़िया मौसम है, तो मुंबई में भी हम मिस करते हैं ऐसा वेदर। सो हाँ जी हाँ, जैकेट यार नहीं तो कपड़ में तो सड़ने होते हैं वहाँ मुंबई में, तो यहाँ पर जैकेट वैकेट काम आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ इज़ ऑलवेज स्पेशल। तो आपका कैरेक्टर क्या है फिल्म में, कैसा होने वाला है क्योंकि एक्शन पैक्ड फिल्म है? हाँ जी, मैं गुड्डू शुक्ला का रोल जैसे निभा रहा हूँ एंड ही इज़ फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड उसके कुछ खास एम्बिशन नहीं लाइफ में, बट एक पैशन है बाइक के लिए, उसे बाइक हासिल करनी है हर हाल में एंड एक दिन वो कामयाब हो जाता है, हासिल कर लेता है बाइक। बट उसके बाद जो उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं विद इन कपल ऑफ डेज सब कुछ बदल जाता है एंड अंडरवर्ल्ड के साथ वो इन्वॉल्व हो जाता है एंड सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट। इट्स रीमेक है, एक फिल्म आई थी पुलादवन तमिल में जो काफ़ी हिट हुई थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। तो इसलिए हमने जब ये फिल्म देखी फर्स्ट टाइम हमें ये लगा कि इस मूवी को नॉर्थ ऑडियंस, ईस्ट वेस्ट, सारी हिंदी बेल्ट को ये फिल्म दिखाना ज़रूरी है। हाँ जी, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका जो यूएसपी है फिल्म का वो स्क्रीन प्ले है एंड जब आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में इसका स्क्रीन प्ले अच्छा है। मज़ा आएगा। हाँ जी, मज़ा आएगा, काफ़ी एक्शन। बीट कर दिया आपने उस फिल्म को? हाँ जी, फिल्म को बीट कर दिया जो रीमेक आप बना रहे हो जिस फिल्म का। देखिए अभी अगर मैं सच कहूँ तो मतलब वो फिल्म अपनी जगह अच्छी है एंड हर इंसान जब पिक्चर बनाता है तो वो चाहता है कि उसकी फिल्म बेटर हो, बेस्ट हो। तो डेफिनेटली आई वुड से कि हमारे तरफ से तो हमने पूरी मेहनत की एंड सारे अच्छे टेक्नीशियन लिए हमने, जैसे कि हमारे जो टेक्नीशियन जुड़े हैं इस फिल्म से वो है मिस्टर श्याम कौशल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्शन डायरेक्टर, बॉलीवुड के एकदम दिग्गज एक्शन डायरेक्टर हैं एंड म्यूज़िक है सोहेल जी का, म्यूज़िक सोहेल सेन का। बाला ट्रैक आपने सुना ही होगा, काफ़ी बड़ा हिट हुआ था हाउसफुल का। तो उसके अलावा हमारी जो टीम है काफ़ी सॉलिड है, अच्छी है और जो स्टारकास्ट भी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है जी, बहुत बहुत बढ़िया है। व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर नतालिया? आई प्ले द रोल ऑफ हिम, ही इज लव इंटरेस्ट। Who else? You are doing a girl of Punjab, and also in your name you have a Kaur. Yeah. So why is that? Kaur. Because it's Kaur. Okay. Yes. So, no. Why it is Kaur? Nathalia Kaur. What is the reason behind that? Your parents? What was that? Because it's my name. No, I'm joking. No, actually, no, I'm joking. It's a stage name. It's not my real name. Okay. Actually, my family from my father's side. It's Punjabi Rajput, okay. But the surname it's not very appealing. Mm-hmm. It was not going well with Nathalia. Okay. It was a very long name, so we decided to opt to Kaur because it was sounding better. So that was the reason for Kaur. Okay. So what about doing films in Punjab? Yeah, I really like the movies. I was telling that I have a very good friend from here, Sonam. Yes. Yeah. Yes, and yes, I'm very happy because she does very well here, and I love her songs. They're very colorful, and I just like the way it's done. The music, very happy and very colorful. The dance, yeah, I love the Indian cinema in full. You know, I love the way you guys do cinema here, and I love all the industries. सर इन्ने टाइम बाद तुसी क्यों वापसी की? बहुत टाइम लोगों को वेट क्यों करना पाया? हाँ जी, ये तो बहुत ही मुश्किल से आपने पूछा है बट ये सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि हम तो कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द वापसी करें, बट ऊपर वाले कह रहे थे नहीं बेटा रुको, थोड़ा रुको, और समय, धीरज रखो, पेशेंस रखो, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और संघर्ष करो। तो वो सब हम करते जा रहे थे एंड फाइनली उनने हमें बॉलीवुड का वीज़ा दे दिया 2020 में। तो मैं एक्चुअली I was waiting for this character to come to me. गुड्डू शुक्ला का जो रोल है काफ़ी हार्ड हिटिंग इंटरेस्टिंग रोल है एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ मूवी लाइक दिस गन्स ऑफ बनारस टू हैपन। अच्छा कितना कुछ चैलेंजिंग सी क्योंकि जे आप नॉर्मल लाइफ से देखिए तो बहुत काम टाइप दे होते फिल्म च बहुत पूरा एक्शन पैक्ड है फिल्म ओ कितना का ट्रांसफॉर्म करने च दिक्कत आई? हाँ जी दिक्कत खैर दिक्कत तो नहीं मैं कहूँगा बट एक चैलेंज की तरह मैंने इस किरदार को लिया। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो मेरा जो स्टाइल है जो बात करने का तौर तरीका एकदम मुंबईया है एंड जो गुड्डू जी हैं उन्हें समझने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाकर सब लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ी एंड एकदम ही मतलब जैसे कि वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो मैं एकदम वहाँ जाकर यही सोच कर गया कि जेब में पैसे वैसे कुछ खास है नहीं, एकदम सस्ते होटलों में जाके वहाँ ठहरा, विक्रम ऑटो में घूमता रहता था और सारे ढाबे ढाबे वहाँ जाकर लोगों से बातचीत करता था उनका टोन डायलेक्ट समझने के लिए। तो जैसे कि अब मुझे अगर पूछना है आपसे कि और भैया कैसे हो कहाँ से आ रहे हो तो ये वो उनका एक स्टाइल है बात करने का, अंदाज अलग स्टाइल है उनका तो वो वहाँ ही जाकर मालूम पड़ता है। जब आप आ जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं सीखने आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो और हर एक्टर के लिए आई थिंक इट्स अ गुड चैलेंज एंड हम सारे एक्टर वी लुक फॉरवर्ड टू सच रोल्स जहाँ आपको कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर करने मिले। जी जी थैंक यू सो मच और विश यू बेस्ट ऑफ लक फिल्म लाइक। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।